आज हम सूरदास के पद को बड़े आसान तरीके से, बड़े मजेदार तरीके से समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। ये कविता सूरदास के द्वारा रचित है। पहले हम इसकी शॉर्ट समरी सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, शुरू करते हैं। हुआ ये था कि श्री कृष्ण अब मथुरा चले गए हैं और गोपियां वृंदावन में अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं। उसका कारण ये है कि जो श्री कृष्ण से इतना प्रेम रखती थी, इतना लगाव रखती थी, ज्यादातर समय उनके साथ व्यतीत करती थी, अब वो श्री कृष्ण उनके साथ नहीं है। अपने आप को वो अकेला महसूस कर रही हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि आज नहीं तो कल श्री कृष्ण लौट आएंगे। तो हुआ ये कि कुछ टाइम बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद श्री कृष्ण तो आए नहीं, लेकिन उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ उन्हीं का ही एक मित्र, नाम था उद्धव, वो गोपियों के पास आता है। गोपियों के पास क्यों आया है? क्योंकि श्री कृष्ण ने एक योग संदेश दिया है जो उन्हें देने आया है, लेकिन गोपियां इंतजार में थी कि आज नहीं तो कल श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण ना आकर उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ योग संदेश आ गया है, तो उनकी जो पीड़ा थी, उनका तो उनका जो दर्द था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसीलिए गोपियां उद्धव को बहुत से ताने देती है, उल्हाने देती है, डांटती है। वो सारा गुस्सा जो श्री कृष्ण के ऊपर निकलना था, वो सारा गुस्सा अब उद्धव पर निकल जाता है। वो कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण से प्रेम करते ही नहीं। अगर वो तुम उनसे प्रेम करते तो तुम उनसे बिछड़ ही नहीं पाते, तुम अलग होकर उनसे यहां पर आए हो, तुम ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि इतना दुख होता है उनसे अलग होने पर, ऐसा हमारे अलावा और कौन जानता होगा। ये बात गोपियां कहती हैं उद्धव को, यानी एक तरह का ताना देती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो उनका प्रेम का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा ही नहीं। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई तेल की मटकी होती है या फिर कमल का पत्ता होता है, इन दोनों के ऊपर कभी भी पानी का रंग, पानी का प्रभाव चढ़ता ही नहीं है। आप कभी भी ट्राई करके देखना, इनके ऊपर अगर पानी डालोगे तो चिकनाहट की वजह से वो फिसल जाएगा, चाहे वो तेल की मटकी हो चाहे कमल का पत्ता हो। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है कि तुम्हारे ऊपर प्रेम का रंग, जैसे वो पानी का रंग उस पर नहीं चढ़ता, वैसे ही तुम्हारे ऊपर भी प्रेम का रंग चढ़ा ही नहीं है। यानी कहने का मतलब उद्धव एक तेल की मटकी या कमल के पत्ते के समान बताया गया है, किसके द्वारा? गोपियों के द्वारा। अगर आपको इसी तरह की कविताएं और पाठ और भी पढ़ने हैं तो कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट आपकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, लेकिन वीडियो के एंड में। तो इसी पैराग्राफ के एंड में गोपियां कहती हैं कि हम तो वो चींटियां हैं जो गुड़ से लिपट चुकी हैं, चिपक चुकी हैं, अब उनसे अलग नहीं हुआ जाता। यानी श्री कृष्ण को यहां गुड़ कहा है और चींटियां अपने आप को गोपियां कहती हैं, तो हम तो वैसे ही लिपट चुकी हैं उनके प्रेम में जो अब उनसे अलग नहीं हो सकती। अलग होने का मतलब हमारे प्राण ही अब चले जाएंगे। इसी तरह से गोपियां उद्धव को और भी ताने उलहाने देती हुई क्या कहती हैं कि हमारी जो मन की बातें थी हमारे मन में ही रह गई हैं, अब हम किससे जाकर कहें, ऐसे ही किसी से नहीं कही जाती। यानी तुम्हारे जैसों से हम वो बातें नहीं कर सकते जो हम श्री कृष्ण से करना चाहते थे, तो हम किससे जाकर वो बातें कहें। और जो तुम योग संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, इस योग संदेश से तो हमारी और भी पीड़ा बढ़ जाती है, इसीलिए ये योग संदेश हमें नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ कि उद्धव की तुलना किसके साथ की थी, कमेंट बॉक्स में सबूत जरूर देना। देखते कौन कौन बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। गोपियां उद्धव को और भी ज्यादा ताने उलहाने सुनाती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण को तो मर्यादा ही नहीं रही, प्रेम की जो मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है, लगाव के बदले लगाव दिया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण को तो वो लगाव रहा ही नहीं, नहीं तो वो खुद आते, तो अब हम धैर्य कैसे रखें। हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं जो हारिल पक्षी की लकड़ी होती है बिल्कुल वैसे ही। अब ये हारिल पक्षी क्या होता है? हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वो अपने पंजों में हमेशा ही एक लकड़ी दबाए रखता है, उसके पैरों में, उसके पंजों में हमेशा ही लकड़ी रहती है, तो उस लकड़ी से तुलना की है श्री कृष्ण की, और खुद वो हारिल पक्षी हैं।
तो इसका मतलब कहने का ये था गोपियों का कि हम अपने मन से, हम अपने कर्म से हमेशा ही अपने ही ध्यान में श्री कृष्ण को पकड़े रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होने देते, हमेशा ही हमारे ख्यालात में, हमारे विचारों में श्री कृष्ण ही बसे हुए हैं, जिनको हमने मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। चाहे हम जाग रहे हो, सो रहे हो, दिन हो चाहे रात हो, हमेशा ही हम श्री कृष्ण का नाम जपते ही रहती हैं। तुम्हारा योग संदेश तो बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है, जो खाने में ना तो अच्छी लगती है ना कोई स्वाद आता है, तो ऐसा है तुम्हारा योग संदेश। अच्छा, जितने भी नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब ये बताओ कि श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहां चले गए थे? ध्यान से सुन रहे थे तो एक बार इस बात का भी जवाब देना। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा योग संदेश तो ऐसी बीमारी है जो न तो हमने कभी देखा है उस बीमारी को, न कभी भोगा है, मतलब कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। अच्छा बच्चों, ये लिख मत देना कोरोना वाली बात, मतलब कहने का मतलब ऐसी बीमारी है जो हमने कभी नहीं देखा था ना कभी सुना था। अब आखिरी पैराग्राफ की शुरुआत में गोपियां आपस में बातें करती हैं, और क्या कहती हैं गोपी दूसरी गोपी से, कहती है कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति सीख ली। राजनीति सीख ली मतलब बहुत चालाक हो गए हैं, इतने चालाक हो गए हैं क्योंकि वो खुद नहीं आए, उन्होंने योग संदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। इससे अनुमान लगता है कि उनकी जो बुद्धि है, उनका जो दिमाग है, कितना ज्यादा बढ़ चुका है, कितना ज्यादा हो चुका है। बच्चों, इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बस इतना ही चाहता हूँ। बच्चों, अब उद्धव को गोपियाँ क्या कहती हैं, कहती हैं कि पहले के जो लोग होते थे वो इतने अच्छे होते थे कि दूसरों के भले के लिए कितना प्रयास करते थे, लेकिन आजकल के ऐसे लोग हो गए हैं कि वो भला नहीं करते दूसरों का। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो अन्याय से छुड़ाते हैं, जो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा होता है उसको भी न्याय दिलवाते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं? ये तो राजा का धर्म नहीं होता, वो तो राजा बन गए हैं। राजा का धर्म तो ये होता है कि प्रजा को वो खुश रखे, सुखी रखे, जबकि वो तो हमें सता रहे हैं, हम भी तो उनकी प्रजा हैं, तो हमें वो क्यों सता रहे हैं? अब एक ऐसा प्रश्न है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा कि गोपियों की मन की बात उन्होंने किसे जाकर बताई थी, या कहां पर रह गई थी उनकी मन की बात। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए अगर आता हो तो, मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों को नहीं आता होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी पाठ की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हो, यानी वर्ड टू वर्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इसी पाठ के, इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए, या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चाहिए, इन सब के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ ऊपर ही देखना है, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। अब इतनी देर तक रुके हो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं कि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी पाठ, कविता या व्याकरण का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नेम लिखें और साथ ही हिंदी अध्यापक भी लिख दें। ये दोनों चीजें एक साथ लिखकर YouTube पर अगर आप सर्च करोगे तो आप पाएंगे कि आपको वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।